अस्सलाम वालेकुम। केयर ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूं अशाम। कल की मार्केट को देखें तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने करेक्शन फेज ही रखा। मोस्ट लाइकली रेंज बाउंड एक्टिविटी स्टिल कहेंगे, लेकिन एक अर्ली साइंस ऑफ करेक्शन मार्केट दिखाना शुरू हो गई है। रीज़न बीइंग कि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स की बेसिस पे मार्केट चल रही थी, उसकी वजह से हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते तक भी मार्केट जो है वो अच्छी एक मोमेंटम में रही। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से लोग अपने शॉर्ट लेवल्स के ऊपर बाइंग करते हैं, तो हाई लेवल्स पर वो फिर अपनी सेलिंग पे आते हैं। लॉन्ग टर्म वाले ऑब्वियसली फिर वो अपनी पोजीशंस बना के रखते हैं आगे तक, लेकिन सेलिंग अल्टीमेटली एक मार्केट में आ ही जाती है। एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ज़्यादा तो मार्केट नहीं टूटेगी। रीज़न बीइंग के मार्केट में स्टिल जो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और उसी की बेसिस पे लोग करेक्शन करने के बाद मार्केट में री एंटर होंगे और अगेन इसको एक अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। फॉरेनर की साइड पे बाइंग देखें तो अगेन बाइंग ही रही, उनके पास इतनी प्रोमिनेंट सेलिंग नहीं रही, लेकिन उनकी जो बाइंग की मॉनेटरी वैल्यू है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, जो अगेन एक और इंडिकेशन देता है कि वो लोग भी एज एन इन्वेस्टर मार्केट के अंदर काम नहीं करेंगे, सेलिंग साइड पे ज़्यादा उनका रुझान रहेगा। न्यू साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर्स में जो यूरिया की प्राइसेस का रोल बैक होना था, इंक्रीज का रोल बैक होना था, वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं या फार्मर्स हैं जो डेली बेसिस पे उनका यूरिया कंजम्पशन होता है, उनको एक हायर कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। इसके अलावा पेट्रोलियम डिवीजन ने जो रिफाइनरी अपग्रेडेशन की पॉलिसी आनी थी उसके लिए फर्दर 6 मंथ्स की एक्सटेंशन दे दी है, क्योंकि कुछ रिफाइनरीज थी वो इसके लिए हेजिटेंट थी अपग्रेडेशन पे जाने के लिए। 6 मंथ्स का उनको टाइम दिया गया है ताकि वो अपने प्रोसेस को अंडर वे लेके आएँ और अक्रॉस द बोर्ड फिर एक अपग्रेडेशन की तरफ सारी रिफाइनरीज हैं। लास्टली PTC के हवाले से एक न्यूज़ थी कि टेलीनॉर को अक्वायर करने की उन्होंने बिड पेश की है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट नहीं हो सकी, लेकिन इसके लिए रिन्यूअल किया गया है कि वो बिड अपनी दोबारा प्लेस करें और PTC जो है वो फिर टेलीनॉर को अक्वायर करें प्रॉपरली। इसकी वजह से हमने देखा था कि स्टॉक की प्राइस भी जो है करेक्शन फेज में गई थी, सेलिंग फेज में गई थी, लेकिन अगर ये बिड कंप्लीट हो जाती है तो PTC के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा रहेगा आगे जाते हुए। मार्केट के हवाले से देखें तो जैसे मैंने बताया करेक्शन में ही रही है और मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड टू नेगेटिव एक सेंटिमेंट बनाया जा सकता है। इन्वेस्टर से ये रेकमेंड किया जाएगा कि अपनी पोजीशंस को कॉशियसली मैनेज करें और जहां प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है वहां करें, एंड डिप्स के ऊपर बाइंग करनी है दोबारा। थैंक यू।